क्वेश्चन नंबर 17 इवेलुएट 256 अपॉन 6561 होल टू द पावर -5 अपॉन 8 256 अपॉन 6561 raised to the power -5 upon 8। तो पहले हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो ये होगा 6561 अपॉन 256। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। रफ वर्क 6561 256, इसको हम पहले 3 से लेंगे तो ये होगा 2187। अगेन 3 से लेंगे ये होगा 729। अगेन 3 से लेंगे ये होगा 243। इसको 2 से लेंगे ये होगा 128। अगेन 2 से 64। अगेन 2 से 16 32। अगेन 2 से 16। तो ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 to the power 8 upon 2 to the power, ये भी 8 टाइम हो रहा है, होल टू द पावर 5 upon 8। और फिर हम इसको लिख देंगे 3 to the power 8 whole power 5 upon 8, और इसमें ये 2 to the power 8 whole power 5 upon 8। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें पावर टू द पावर पावर है तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे 8 into 5 upon 8, और इसमें होगा 2 to the power 8 into 5 upon 8। और यहाँ पे हमने यूज किया है इस लॉ को, फिर इसमें ये 8 से 8 कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल टू 3 to the power 5 upon 2 to the power 5, और 3 to the power 5 ये होता है 243 upon, और ये होता है 32 आंसर।